हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ नदीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो दिस इज़ अवर अनदर एपिसोड ऑफ बुक रिव्यू और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बुक के बारे में आप देख सकते हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुभाष कश्यप सुभाष कश्यप इसका राइटर है जानेंगे इसके पब्लिकेशन के बारे में कॉन्टेंट के बारे में लेवल ऑफ लैंग्वेज के बारे में पैटर्न ऑफ लैंग्वेज के बारे में प्राइस रेट के बारे में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को एनालसिस uh, करने, करने के बाद इसको स्टार्स देंगे आउट ऑफ फाइव तो चलिए शुरू करते हैं सो so, दोस्तों ये अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इसके जो ऑथर हैं वो है सुभाष सी कश्यप सुभाष सी कश्यप कॉन्स्टिट्यूशनल राइटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते हैं और इनका 60 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस है आप कह सकते हैं लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइटिंग सो इसके जो पब्लिकेशन है वो है नेशनल बुक ट्रस्ट इसका पब्लिकेशन है एन और इसका जो कंटेंट है उसके बारे में देख लेते हैं सो so, इसमें टोटल आप देख सकते हैं ट्वेंटी फिफ्थ चैप्टर सो वन बाय वन गो थ्रू हो जाते हैं सो so, इसका जो फर्स्ट चैप्टर वो इंट्रोडक्शन सेकेंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी हिस्ट्री ओरिजिन है सब कुछ इसमें कवर किया गया फिर उसके बाद आता है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब आ, हमारा जो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी मेकिंग हुई थी तो उसमें अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसमें समझाया गया फिर बाद so, उसके बाद आता है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी साइलेंट फीचर्स हैं सो उसके बाद आता है द प्रियम्बल फिर उसके बाद आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी फिर उसके बाद आता है सिटीजनशिप फिर उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स फिर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फिर उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ फिर उसके बाद आता है द यूनियन एग्जीक्यूटिव फिर उसके बाद आता है द यूनियन लेजिस्लेचर द जुडिशरी एंड यूनियन टेरिटरीज फिर उसके बाद आता है यूनियन स्टेट रिलेशंस फिर इसके बाद आता है फाइनेंशियल प्रोविजन्स ट्रेड एटसेट्रा फिर उसके बाद आता है सेवनटीन चैप्टर इमरजेंसी प्रोविजन्स फिर उसके बाद आता है सर्विसज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स इलेक्शंस लैंग्वेज प्रोविजन्स फिर उसके बाद आता है अमेंडमेंट ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज मिसलेनियस टेम्प्रेरी एंड स्पेशल प्रोविजन फिर ट्वेंटी फोर्थ चैप्टर है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ट्वेंटी फिफ्थ चैप्टर है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवेल्यूशन फिर उसके बाद एनेक्सचर आता है टेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1950 से 2009 तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं वो सारी चीज़ दी गई है सो so इसका जो लास्ट पब्लिकेशन हुआ था वो 2011 में हुआ था आप देख सकते हैं रीप्रिंट ट्वेंटी अलेवन थर्टीन फोटीन फिफ्टीन में सो so आप देख सकते हैं इसका फिफ्थ एडिशन जो आया था ट्वेंटी इलेवंथ में आया था सो so इसका जो प्राइस रेट है वो है वन और आप बैक में भी देख सकते हैं इसका प्राइस रेट वन है So, चलिए अब इसके लेवल ऑफ लैंग्वेज के बारे में देखते हैं एक बार सो so, इसका लेवल ऑफ लैंग्वेज सो इसका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन सो इसका फर्स्ट पैरा पढ़ के बताता मैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री लेज्ड ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पोलिटिकल सिस्टम अंडर विच इट्स पीपल आर टू बी गवर्न इट एस्टेब्लिशेज द मेन ऑर्गन ऑफ द स्टेट द लेजिस्लेचर द एगजीक्यूटिव एंड द जुडिशरी डिफाइंस देर पावर्स डिमार्केट्स देर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेगुलेट्स देर रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड विद द पीपल सो आप देख सकते हैं, जैसे इसकी राइटिंग काफ़ी मॉडरेट में कहूँगा और जो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो बेसिक जिसके बेसिक्स थोड़ा कंप्लीट है वो इस लैंग्वेज को ईजिली समझ सकते हैं और जो सो पोलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस लैंग्वेज को ईजिल समझ सकते हैं क्योंकि इसमें जो कुछ वर्ड्स है जैसे लेजिसलेचर द एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और इन चीज़ों का आपको इंटर्नोलॉजी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए तो आप इस लैंग्वेज को इजीली समझ सकते हैं सो so इसका जो तो पैटर्न ऑफ लैंग्वेज है वो यही है कि व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन फिर फिर उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो इन्होंने एक कॉम्प्रीहेंसिव वे में इसको पूरा बुक को लिखा है सुभाष कश्यप जी ने सो या आप देख सकते हो फिर सेकंड चैप्टर आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो भी ओरिजिन हुआ है

सो so, ये था इस बुक के बारे में और इसका जो लास्ट जो ये है प्राइस रेट मैं आपको बताई चुका हूँ वन एटी फाइव प्राइस रेट है और ऑनलाइन प्राइस रेट मैं इसको आपको बता दूंगा आपके स्क्रीन पे सो so, या ये था इस बुक के बारे में सो so, दोस्तों ये था अवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुभाष से कश्यप का बुक रिव्यू कह सकते हैं सो so, इसमें जैसा आप जानते हैं कि इसमें जितने भी अवर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है सो so, इसमें जो सुभाष से कश्यप ने अपनी जो लाइफ लॉन्ग जो एक्सपीरियंस हो उसको इस छोटी सी हैंड हैंडी बुक में अपना एक्सपीरियंस को शेयर किया और जितने भी इसमें फैक्चुअल चीजें हैं जितने भी कॉम्प्रीहेंसिव जो इसमें फैक्ट्स हैं सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है और अगर आप एक जनरल लीडर के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन को अपने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं तो इस बुक का एक बार रीड कर सकते हैं काफ़ी पतली और छोटी सी बुक है सो so, इसको आप एक हफ्ते में कवर कर जाएंगे लेकिन जितने भी इसमें चैप्टर्स दिए गए हैं अगर आप यू पी हैं तो आप एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है इंडियन पॉलिटिक उसमें भी ये सारे चैप्टर मेंशन है और वो पर्टिकुलरली यूपीएससी एस्पिरेंट को काफ़ी हेल्पफुल होती है वो बुक सो so, आप अगर यूपीएससी पी एस हो तो मैं आपको वो बुक सजेस्ट करूंगा लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के स्टूडेंट है या इवन लॉयर हैं और टीचर हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं काफ़ी अच्छी बुक है और सुभाष सिंह कश्यप जो है काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते हैं इन द फील्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइटिंग सो या ये था इस बुक का रिव्यू अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और हैव अ गुड डे हेड बाय बाय